हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मैं अपने कविता थारू ब्लॉग पे आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह के 3 बज रहा है, 3:30 हो रहा होगा, क्योंकि मैं 3 बजे उठी और नहा कर फ्रेश हो गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों कविता जी इतना सुबह नहाई और फ्रेश हुई है। तो दरअसल मैं आज मैं जा रही हूँ सोमेश्वर मेला। तो देखिए, इधर खाना बन गया है। ये ब्लॉग अभी अपलोड होगा और जो हम लोग सोमेश्वर मेला जा रहे हैं आज के दिन, तो कल अपलोड करेंगे। और दोस्तों, आज ही ब्लॉग में शूट कर रही हूँ सुबह में, और आज ही डालूँगी। और आज का जो सोमेश्वर पहाड़ का जो ब्लॉग होगा, तो आप लोग को कल मिलेगा कविता थारू चैनल पे, कविता थारू ब्लॉग पे, सॉरी। तो दोस्तों, खाना तो लगभग बन चुका है और मेरे जनाब अभी तक सोए हैं, तो चलिए चलते हैं उनको जगाने। तो अभी देखिए, मैं अपने रूम पे पहुंच गई हूँ और मेरे जनाब अभी तक सोए हुए हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे सोए हुए हैं। ये देखिए, नहीं जाना है, नहीं जाना है। देखिए देखिए कैसे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको जाना ही नहीं है। कितने आराम से सोए हुए हैं। हम 3 बजे उठकर नहा भी लिए और खाना भी बना दिए, और इनको देखिए कुछ परवाह नहीं है, जाना है कि नहीं जाना है। है, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, सुबह हो गया, बोल दीजिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। और फिर सो जा रहे हैं। देखिए, और उधर देखिए, उधर नटखट हुआ है अंकित, कैसे सोया हुआ है। अभी वो जान जाएगा ना कि मम्मी लोग जा रही है कहीं, तो तुरंत उठकर नहा कर रेडी हो जाएगा। तो मैं छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ, तो आज इसको अभी मैं पब्लिश कर दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा क्या बोलते हैं सोमेश्वर मेला का ब्लॉग का इंतज़ार आप लोग कीजिएगा। तो फिर यहीं तक मिलेंगे कल। बाय बाय।